वेलकम टू सुपर कार इंडिया। स्वागत है आप सभी का कार और बाइक की बिल्कुल ही नई दुनिया में। स्विस ऑटोमोबाइल कंपनी रिनस्पीड अपने फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट कार ओएसिस को पेश किया है। इस कार को पहली बार 5 से 8 जनवरी 2017 तक होने वाले कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो में पेश किया गया था। रिनस्पीड ने अपनी इस कार में हर वो तकनीकी फीचर देने की कोशिश की है जो इस साल के ऑटो इंडस्ट्री में चर्चा का विषय रही। ओएसिस एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है जिसे राइडिंग हेयरिंग ऐप के जरिए कॉल किया जा सकता है। इसमें अकेले या फिर किसी के साथ ट्रेवल शेयर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ऐप के जरिए आपको आसपास की स्थिति, ओएसिस कार की लोकेशन भी मिल जाएगी। इसके बाद टिंडर ऐप की तरह आप स्क्रीन को फ्लिप करके चुन सकते हैं कि आपको किस कार से ट्रेवल करना है। यही नहीं, कार में पहले से सवार पैसेंजर की प्रोफाइल भी आप चेक कर सकते हैं और अपनी इच्छा अनुसार किसी शख्स के साथ ट्रेवल कर सकते हैं। जैसे ही आप अपनी ओएसिस कार सिलेक्ट कर लेंगे और उस कार के पैसेंजर के पास पहुंचते ही नीचे लाइट जल जाएगी जिससे पता चल जाएगा कि आपको इसी कार में ट्रेवल करनी है। रिनस्पीड का दावा है कि ओएसिस एक सेल्फ ड्राइविंग इलेक्ट्रिक व्हीकल है। रिनस्पीड कार में 40 kW की 2 इनविन इलेक्ट्रिक मोटर्स और 45 Nm का टॉर्क वेक्टरिंग दिया गया है। रिनस्पीड कार को 130 km/h की टॉप स्पीड से दौड़ा सकते हो। इसके अलावा इस कार में 12 kWh की लिथियम आयन बैटरी दी गई है जिसे एक बार फुल चार्ज करके 100 km तक नॉनस्टॉप राइड ले सकते हो। रिनस्पीड कार में कंपोजिट विद स्टील चेचिस दी गई है। इस कार में आपको एकदम लिविंग रूम वाली फीलिंग आए इसके लिए गार्डन एरिया भी दिया गया है। ये पहली ऐसी कार होगी जिसमें छोटी सब्जियां और बोनसाई उगाने के लिए भी स्पेस दिया गया है। ओएसिस ने विंडशील्ड के पीछे एक गार्डन एरिया भी दिया गया है जिस पर एक छोटा ग्लास लगा हुआ है जिसके जरिए आप गार्डन को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा इस एरिया के तापमान और एयर सर्कुलेशन को बदला जा सकता है। ओएसिस कार में 5K की वाइड स्क्रीन भी दी गई है जिसमें ओएस और जेस्चर कंट्रोल दिया गया है। इस स्क्रीन पर आपको हेड रोड्स, सिग्नल, टर्न सभी चीजों की जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा आप इस पर मूवी भी देख सकते हैं। इस कार को आप ऑटो मोड पर भी रख सकते हैं। इस दौरान अगर कोई आपकी कार के सामने आ गया तो कार खुद ब खुद स्लो हो जाएगी। इसके अलावा इस कार में सामान रखने के लिए भी स्पेस दिया गया है। ओएसिस कार में ट्रेवल स्वाइप इशारों का उपयोग करके सोशल मीडिया चैनलों पर दिलचस्प न्यूज का आदान प्रदान और शेयर करने में सक्षम है। ओएसिस कार सुबह एक शॉपिंग कार्ट हो सकती है, दोपहर में पार्सल सेवा के लिए एक शिपिंग सेवा काउंटर और रात में पिज्जा डिलीवरी कार में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। इन सभी चीजों को HEO से डिजिटल एक्सेस सिस्टम संभव बनाता है। ओएसिस NXP तकनीक पर आधारित डिफेंडर सेंसरों का उपयोग करता है जो 360 डिग्री व्यूज को पिन पॉइंट के साथ कैप्चर करता है। डायमेंशन की बात करें तो रिनस्पीड कार की लेंथ 3600 mm विथ 1970 mm, हाइट 1570 mm और 2360 mm व्हील बेस दिया गया है। फीचर्स की बात करें तो इस कार में मल्टीमीडिया एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम, लेजर प्रोजेक्शन, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म, एक्सेस सिस्टम, कंप्यूटिंग, एग्रीकल्चर, मोबिलिटी, गार्डनिंग और एयर डक्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। तो दोस्तों, ये थे रिनस्पीड की तरफ से आने वाली इलेक्ट्रिक कार जो दूसरी कारों से काफी अलग है। इसलिए तो हमने कहा था कि कार तो बहुत देखी होगी लेकिन इस कार को देखकर चौंक जाओगे।